तो दोस्तों मैंने काफी सारे रिफर्बिश फोन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेरे हाथ में ऑलरेडी 3 फोन है और एक फोन से ये वीडियो शूट हो रहा है और 2 फोन को मैं ऑलरेडी बेच चुका हूँ। रिफर्बिश फोन मैंने ऑर्डर किया है, बस एक वेबसाइट मुझसे छूट गया था, वो है sellbuddy.com और sellbuddy से मैंने आज तक कोई ऑर्डर नहीं किया है। तो आज इस वीडियो में मैं sellbuddy से एक आईफोन ऑर्डर करने वाला हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को उस वेबसाइट से ऑर्डर करते हुए किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखना है वो भी बताने वाला हूँ। और उस वेबसाइट में आप लोगों को काफी सारे हिडन चार्जेस लगता है, वो हिडन चार्जेस भी मैं बताने वाला हूँ कि अल्टीमेटली अगर आप कोई भी एक प्राइस ब्रैकेट का फोन ऑर्डर करोगे तो ले देके उसका प्राइस कितना पड़ जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो sellbuddy से ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल से सर्च कर लेंगे sellbuddy, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो sellbuddy मैंने पहले भी सर्च करके रखा था तो इसलिए आ गया। यहाँ पे पहला वेबसाइट आप लोग देख सकते हो sellbuddy.in है, ठीक है। तो sellbuddy.in से हम लोग फटाफट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वेबसाइट का कुछ लेआउट कुछ इस तरह से है। आप काफी सारे दोस्त मुझे यहाँ पे पूछ रहे थे कि sellbuddy जेन्युइन है कि नहीं, वो भी हम लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि आज मैं ऑर्डर करने वाला हूँ और लगभग जितना दिन बाद डिलीवरी होगा, अगर डिलीवरी होगा भी नहीं होगा और किस कंडीशन में फोन आएगा उसका आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियो भी देखने को मिलेगा इसी चैनल में। तो फटाफट एक ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी चीजें आप लोगों के सामने है और यहां से अगर हम लोग आईफोन की बात करें तो यहां से आईफोन शॉप नाउ पे क्लिक हम लोग करेंगे तो आईफोन दिखेगा। यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रहता लेकिन कुछ हिडन चार्जेस होता है जो कि मैंने फिलहाल एक बार ऑर्डर करके देखा था जहां पे लग रहा था, हालांकि उस ऑर्डर को मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो आईफोन 8 को मैंने ऑलरेडी केसीफाई से ले लिया था और उसका अनबॉक्सिंग मैंने किया था। तो यहाँ पे आई होप हम लोग एक फोन ऑर्डर कर लेते हैं अंडर 20,000 में, कोई भी एक ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूं सर्च ऑप्शन में और यहाँ पे आईफोन 7 प्लस खरीद लेते हैं क्योंकि 7 थोड़ा सा छोटा डिवाइस हो जाएगा। 7 प्लस में डुअल कैमरा भी मिलेगा पीछे और साथ ही साथ उसका बैटरी भी ज्यादा है, तो 7 प्लस ऑर्डर करना मेरे हिसाब से आज के डेट में सही डिसीजन होगा। तो 7 प्लस ऑर्डर करके देखा जाए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7 प्लस जो 32 GB है उसका प्राइस दिखा रहा है 15,000। तो 15,000 जेन्युइन प्राइस है, ज्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन 32 GB है। अगर ये 64 GB 7 प्लस में आप लोगों को 64 GB नहीं मिलेगा, 32 GB और 32 GB के बाद आप लोगों को डायरेक्ट 128 GB मिलता है। तो हम लोग 32 GB ऑर्डर करके देखते हैं और एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अगर 128 GB की हम लोग अगर बात करें तो 128 GB का कितना पड़ेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7 प्लस का अगर हम लोग 128 GB ऑर्डर करते हैं तो 18,000 लगेगा, जबकि अगर 32 GB ऑर्डर करते हैं तो 15,000 लगेगा। तो आप लोग देख सकते हो 3,000 का प्राइस यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे कलर मेरे हिसाब से रेड ना लेके हम लोग यहाँ पे रोज गोल्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोज गोल्ड है, आप लोग देख सकते हो। इसका एक बार हम लोग कंप्लीटली क्विक रिकैप देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसमें। तो फोन यहाँ पे सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है जो कि लगभग हर किसी को पता ही होता है। इसमें IP67 भी है और 12 MP का यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग हो सकता है। वो चीज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे तब डिटेल्स में बात करेंगे क्या है फोन में क्या नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग एड टू कार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट को आपको पहले खोल के आराम से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन में जो भी डिटेल्स है आपको ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 14,999 यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे शिपिंग चार्जेस जिस रेट की मैं हिडन चार्ज की बात कर रहा था यहाँ से शुरू होता है हिडन चार्जेस। फ्लैट 499 आपको यहाँ पे शिपिंग चार्जेस लगेगा वेस्ट बंगाल के लिए, और वेस्ट बंगाल के लिए नहीं किसी भी स्टेट के लिए आपको 499 रुपीज ही ये लोग डिलीवरी चार्ज करता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। तो जो भी प्राइस का आप फोन लोगे आप समझ लेना कि उससे 500 रुपया आपको ज्यादा ही लगेगा क्योंकि 500 रुपया उसमें आपको डिलीवरी चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने सारा कुछ एड्रेस में फिल कर लिया है और अगर हम लोग यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए COD के लिए और 499 रुपीज लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिलीवरी के लिए आपको 500 रुपया देना पड़ेगा,
साथ ही साथ अगर आप कैश ऑन डिलीवर करोगे तो और 500 रुपया देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 15,000 का प्रोडक्ट में आपको 16,000 पे करना पड़ेगा अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं करेंगे क्योंकि 500 रुपया यहाँ से बच जाएगा। बाकी अगर आप कभी ऑर्डर करते हो तो फिर आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी में ज्यादा आपको सिक्योरिटी मिलता है कि प्रोडक्ट आएगा तब आपको पैसा देना है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 500 रुपया सेव हो जाएगा। एड्रेस सारा कुछ मैं डाल देता हूँ फटाफट। जैसे आप यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा जो कि हम लोग दे देंगे, और यहाँ से फोन नंबर भी हमें देना पड़ेगा। पेमेंट मेथड की यहाँ पे बात किया जा रहा है तो कोई भी एक पेमेंट मेथड हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर तरह से हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो नेट बैंकिंग से मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तब भी एक्चुअल प्रोडक्ट का जो दाम है उससे काफी ज्यादा यहाँ पे लिया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 15,956 रुपीज हो जा रहा है ऑनलाइन पेमेंट में भी, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो तब भी आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पे 500 रुपया एक्स्ट्रा ही देना पड़ रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से कैश ऑन डिलीवरी करना ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब हमें पेमेंट करना ही है, एक्स्ट्रा पेमेंट ही करना है, तो क्यों यहाँ पे ज्यादा हम लोग पेमेंट करें। तो लगभग यहाँ पे 456 रुपया आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी चार्ज किया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। एक तो 500 रुपया डिलीवरी चार्ज, ऊपर से फिर ट्रांजेक्शन के लिए भी लगभग यहाँ पे 450 रुपया लग रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो इसलिए मैं इधर ऑर्डर को कैंसिल कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल मुझे पेमेंट करना है 15,498, लगभग यहाँ पे 15,500 रुपया हो जा रहा है, और फ्लैट यहाँ पे 500 रुपया शिपिंग चार्ज है, और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए और 500 रुपया है। तो यहां से आप लोग देख सकते हो, थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव। अब मैं फिर से अगर लॉग इन कर लेता हूं और यहां से ऑर्डर में चलते हैं तो ऑर्डर में यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ऑर्डर हो चुका है, प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, और मेरे पास एक मैसेज आ चुका है कि 499 रुपीज मुझे पे करना है सीओडी चार्जेस, उसके बाद ही आइटम वहां से शिफ्ट होगा। लेकिन वो लिंक मेरे पास अभी तक नहीं आया किस लिंक में मुझे पैसा देना है, क्योंकि यहाँ से तो पैसा देने का कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप सेल बडी से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आपको 500 रुपया पहले तो डिलीवरी चार्ज देना है, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तब भी आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, और अगर आप सीओडी भी करते हो तब भी आपको एक्स्ट्रा 500 रुपया देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस प्रोडक्ट का जो भी दाम आएगा उससे आप 1,000 ज्यादा मान के चलना। जैसे कि यहाँ पे मैंने आईफोन 7 प्लस ऑर्डर किया तो 7 प्लस का एक्चुअल जो प्राइस है वो है 15,000, 500 रुपया डिलीवरी और 500 रुपया यहाँ पे सीओडी के लिए, तो टोटल कुल मिला के 16,000 पड़ जा रहा है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया है कि सेल बडी से हमें कैसे ऑर्डर करना है। बाकी जब फोन आ जाएगा इस चैनल पे आप लोगों को अनबॉक्सिंग, रिव्यू वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो उसलिए चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।